बिकॉज ये फैमिली साथ थी, मैं चाहूँगा कि ये खुद बताएं ताकि पता हो, ताकि पब्लिक को भी पता हो कि ये एक्सीडेंट नहीं है, और उसके बाद हुकूमत क्या कर रही है, फिर मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जी हम लोग, मेरी बेटी की 25 नवंबर को इसी महीने जो शादी थी, तो उसका एक फंक्शन था माइयों का। हम वो कपड़े शपड़े लेके उस माइयों के फंक्शन के लिए गए हुए थे। जब हम वहाँ से निकले हैं तो इस बच्चे ने गाड़ी, कभी हमारी गाड़ी के आगे कभी पीछे करता है, उसमें मेरी बेटियाँ बैठी हुई थी, हुडिंग कर रहा था ये, तो इसे मना किया बेटे मेरे ने, यार आप ये क्या हरकतें कर रहे हो, तो इसने उसको डांट पिलाई या गाड़ी में बैठे हुए। बेटे मेरे ने गाड़ी इसकी आगे लाके खड़ी की, इसने पीछे से उसको थोड़ा हिट किया, बेटा मेरा भी बाहर आ गया, हम लोग भी बाहर आ गए। वो भी भाई ये था एक, इसका जिसको ये पापा पापा कह रहा था, वो भी बाहर आ गए और झगड़ा शुरू हुआ। मैंने उनको मना किया, मैंने कहा यार आप तो समझदार आदमी हैं, आप तो आपकी मौजूदगी में आपका बच्चा जो ये बदतमीजी कर रहा है, बजाय इसे कि आप इसको समझाएं, आप उसके साथ यही हरकतें कर रहे हैं। खैर वो शर्म के मारे, वो उसकी मेहरबानी है, वो बंदर बैठ गया बाद में। तो ये निकलने लगा, फिर इसने गाड़ी बराबर लगा ला के बेटे को कहा, कब मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम डी एच ए में कैसे गाड़ी चलाते हो, और मैं तुम्हें बताऊँगा गाड़ी को कैसे हिट करते हैं। ये यहाँ से निकल गए हम, हमारे आगे स्पीड से गाड़ी निकाल के हम लोग आगे जाके अपने इधर राया की तरफ हमने आना था, क्योंकि हमने राया वाया रिंग रोड इधर आना था फिरोजपुर रोड पे। तो वो रास्ते में जो चौक बनता है मैकडोनल्ड वाला, वहाँ एक स्पीड ब्रेकर है बहुत बड़ा, स्पीड ब्रेकर से गाड़ी स्लो की है बेटे ने, स्लो करके वो चौक में चला गया और हम उसके पीछे पीछे स्पीड ब्रेकर ऊपर आए हैं। ये उधर से निकला है मैकडोनल्ड की तरफ से, 160-170 की स्पीड होगी, इसने गाड़ी को हिट किया है और ये उसको 70-80 फुट दूर जाके फेंका, जिसमें सब लोगों का मर्डर हो गया। इसको मेरे बेटे ने गाड़ी के स्टीयरिंग वाली सीट से निकाला है, इस ये सर रख के बैठा हुआ था, इसको जब निकाला है तो इसको लोग मारा शुरू हुए, बच्चे ने भी थप्पड़ मारा होगा, तो कुछ 4-5 लोग आए हैं इनको छुड़ाने के लिए, वो लड़े हैं हम लोगों के साथ। अब बाइट भी वो भी अंदर ही हों, हमारे होशवासी कायम नहीं थे, फिर लोग इकट्ठे हुए, फिर लोगों ने उनको मारा, फिर वो भागे। उसमें डी एच का एक सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल है, वो भी उनके साथ। और मुझे जो लग रहा है ये रेसे लगाते हैं वीकेंड को रात को, ये रेस की रेसलिंग करवा रहा था मेरे बाप इसका, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो रेसे लगाते हैं इनमें इनके वालदेन शामिल हैं, इनको सबको पता है, और वो कसूर ज़्यादा कसूरवार है जब ये कम उम्र बच्चों को गाड़ियाँ देते हैं और उनको ये ख्याल ही नहीं है किसी गरीब की जान चली जाएगी और इनकी अपनी जान भी जा सकती है। अब ऐसा है कि आपने सुन लिया सारा कुछ, इनके सामने, इनकी आंखों के सामने चंद फुट के फासले पर इनकी पूरी फैमिली फौत हुई, इनके सामने, इस बच्चे के सामने। तो ये कहीं से भी किसी तरीके से, और पुलिस के पास बाकी एविडेंस भी आ गई हैं, तो किसी भी तरीके से ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। मर्डर की दफात लग गई हैं, ATA की दफात लग गई हैं, दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई हैं, और पुलिस बिल्कुल स्पेसिफिक हो के बगैर किसी के प्रेशर के, चाहे दूसरी फैमिली कोई भी हो, कि जितनी असर रसूख वाली हो, अपना चलान पेश करेंगे और कोई भी लिहाज किसी का नहीं करेंगे, 100% मेरिट पे करेंगे। हम इनसे सिर्फ यही वादा कर रहे हैं कि हमारा इंशाल्लाह ताला, हमारी तरफ से DIG इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे मौजूद हैं, वो खुद इसको देख रहे हैं, पर्सनली देख रहे हैं, और कोई पुलिस वाला एक आधा मुलव्वस हुआ था बीच में, जो दूसरी साइड से इन्फ्लुएंस हुआ था, उसको इन्होंने सस्पेंड कर दिया। और अफसोस की बात यह है कि जब ये कोर्ट में गए थे तो दूसरी साइड से इनके ऊपर हुटिंग हुई बाकायदा तौर पे, वहाँ मिठाई तकसीम हुई, जो उससे भी ज़्यादा दुख वाली बात है। एनीवेज जो हुकूमत का फ़र्ज था, हम तो कुछ नहीं और कर सकते, सिर्फ इनके लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा फ़र्ज था, दिफात जो जेन्युइनली लग सकती हैं, पुलिस लगा सकती है, वो लगा रहे हैं पूरी एविडेंस के साथ, सबूत के साथ, तसल्ली करके। इमीडिएटली नहीं की क्योंकि उससे हमें कंफर्म नहीं था, जैसे ये बात कंफर्म हुई है, सारा कुछ आने का मकसद भी आके उनको बताना भी यही था। दूसरा, IG साहब को अभी हमने ऑलरेडी कह दिया है, पूरे पंजाब में और ख़ास तौर पर लाहौर में हम ये जो यंग बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं और वीकेंड्स पे रेस लगा रहे हैं, उनके खिलाफ मैसिव क्रैकडाउन करेंगे, और उसमें जो भी जिम्मेदार है, हम वालदैन को कह रहे हैं, फिर उसके बाद सिफारिश ना करें, वो उनको हम पकड़ेंगे, अंदर देंगे, और जो जो पर्चा जिस दफा के तहत बनता है हम उनको दें, उसके तहत उनको चलान करेंगे। तो मेरी उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है जिनके बच्चे वीकेंड्स पे रेसें लगाते हैं, और ये कुछ 2-4 स्पेसिफिक रोड्स हैं,
उस पर इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये काम आइंदा से ना हो। बाकी भाई हैं इनके लिए हम दुआ कर सकते हैं और हमारे लिए जो पॉसिबल है इनके साथ खड़े हैं और जो जो मुमकिन हुआ ट्रायल में हम इनके साथ खड़े हैं। सिर्फ ये बताइएगा कि प्रोसिक्यूशन